भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 4 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इसके साथ ही टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-0 से आगे हो गई। इस शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी टीम की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को 113 रन पर समेटने के बाद भारत ने 115 रन के लक्ष्य को 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच के बाद कैप्टन रोहित टीम इंडिया के लिए पहली पारी में हुई 2 पार्टनरशिप को मैच का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। रोहित शर्मा ने कहा, दरअसल पूरी 4 पारियों के दौरान बहुत से टर्निंग पॉइंट थे, लेकिन शायद पहली पारी के दौरान जडेजा और विराट के बीच हुई पार्टनरशिप और हम इस मैच में वापस आ गए। उसके बाद अक्षर और अश्विन ने भी एक कमाल की पार्टनरशिप की और टीम को अच्छी स्थिति में ला दिया। इसके साथ ही भारतीय कप्तान ने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा है कि सिर्फ एक सेशन में 9 विकेट हासिल करना बहुत बड़ी बात है। रोहित ने इस पर कहा, यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा नतीजा है। जिस तरह से दूसरा दिन खत्म हुआ था उसके बाद ऐसा प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1 रन कम होने के बावजूद हम मैच में पिछड़ रहे थे। हमें इस पिच पर 4th इनिंग में बल्लेबाजी करनी थी। मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। सिर्फ एक सत्र के अंदर 9 विकेट हासिल करना बेहद ही शानदार है, और इसके बाद बल्ले से हमने काफ़ी बेहतर तरीके से इस मैच को खत्म भी किया। रोहित ने आगे ये भी कहा कि हमारे बॉलर्स लगातार सही जगह पर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, बल्लेबाजों के गलती करने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसे पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है। हम इसके लिए तैयार थे और हमने अपने शॉट्स उसी को ध्यान में रखते हुए खेले। हमारे बॉलर्स लगातार सही जगह पर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे थे और बल्लेबाज के गलती करने का इंतजार कर रहे थे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में क्या हुआ। अगर मैच की बात करें तो टेस्ट मैच के 3rd दिन कंगारू टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन से आगे खेलना शुरू किया। हालांकि 3rd दिन का खेल शुरू होते ही कंगारू टीम के विकेट्स का पतझड़ शुरू हो गया। 65 के स्कोर पर टीम को ट्रेविस हेड के रूप में 2रन लगा और 43 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर आउट हो गए। वहीं थोड़ी देर बाद स्मिथ भी आउट हो गए। कंगारू टीम का स्कोर एक समय पर 3 विकेट खोकर 95 रन था, और इसी स्कोर पर कंगारू ने अपने 4 विकेट खो दिए। लबुशेन, रेनशॉ, पीटर हैंडसकॉम और पैट कमिंस इसी स्कोर पर चलते बने। इसके बाद भी कोई बल्लेबाज स्टिक पर नहीं खेल सका और पूरी कंगारू टीम अपनी दूसरी पारी में 113 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। ऐसे में टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 115 रन चाहिए थे, जो कि भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिए। टीम इंडिया के लिए चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा ने 31-31 रन की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया की पहली पारी 262 रन तक पहुंची थी। पहली इनिंग में भारत के लिए अक्षर पटेल ने 74, अश्विन ने 37 रन बनाए थे। दोनों टीम्स के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब 1 से 5 मार्च के बीच इंदौर में खेला जाएगा। अगर आपको इस सीरीज का और भी कवरेज चाहिए तो हमारे चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पूरा कवरेज किया जा रहा है। इस स्टोरी को लिखा है हमारे साथी रविराज ने, कैमरे के पीछे असद, मेरा नाम है विपिन, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।